चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम ने भले ही चांद की सतह पर सफल लैंडिंग ना की हो, लेकिन उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारतीय मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया ने इस मुद्दे पर जमकर रिपोर्टिंग की। अब चंद्रयान 2 की चर्चा हॉलीवुड के गलियारों में भी होने लगी है। जी हाँ, हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट ने सोमवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फोन किया और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट निक हॉज से बातचीत की। एस्ट्रोनॉट निक हॉज से बातचीत में ब्रैड पिट ने पूछा कि क्या उन्होंने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग देखी थी, जिसे 7 सितंबर को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था। तो जवाब में एस्ट्रोनॉट निक हॉज ने कहा कि दुर्भाग्यवश नहीं। इंडिया वाज लैंडिंग ऑन द मून एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर असिस्टिंग देम इन दैट एफर्ट। कुड यू सी दैट फ्रॉम वेयर यू आर? No, unfortunately. So I along with the rest of the crew just had to follow along with the news reports and things that we're trying to do every day. The team on the ground, NASA and its international partners, do a great job of making really hard, almost impossible things look routine. आपको बताते चले कि ब्रैड पिट की एस्ट्रोनॉट निक हॉज के साथ ये बातचीत नासा टीवी पर ब्रॉडकास्ट की गई और ये ब्रैड पिट की अपकमिंग फिल्म एक अस्त्र के प्रमोशनल टूर का हिस्सा थी। इस फिल्म में ब्रैड पिट एक अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाएंगे, जिसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। चंद्रयान 2 लैंडिंग के पहले से ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। सफल प्रक्षेपण के बाद से ही लोग इंतजार में थे कि कब वो चांद की सतह पर चंद्रयान को सफल लैंडिंग करता देखेंगे। चंद्रयान के साथ गए लैंडर विक्रम के चांद पर सफल लैंडिंग को देखने पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर टिकी थी, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में ही लैंडर विक्रम का पृथ्वी से संपर्क टूट जाना मानो कई सपनों के टूट जाने जैसा था। वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि लैंडर से संपर्क स्थापित की जाए, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि चांद पर भारत की तरफ से भेजा गया ये दूसरा मिशन था। इससे पहले भारत चांद पर चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक भेज चुका है। चंद्रयान को चांद की सतह पर 2008 में भेजा गया और अगर चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पहुंच जाता तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाता, जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत उपलब्धि होती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।